जिसमें वो मैंने जिक्र कर दिया, अगर मेरी उस बात से किसी की भी दिल आजारी हुई है तो मैं अपने अल्फाज भी वापस लेने के लिए तैयार हूँ, मगर जो बातें मेरे से मंसूब की जा रही हैं ये बातें इस तरह से नहीं हैं। जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो कभी भी इमरान खान कैबिनेट, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट पे MNA बना हुआ है, या तो वो MNA अपनी MNAship से रिज़ाइन किया होता उसने, अभी तक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का MNA है। किसको वोट नहीं डाला? मेरा ख्याल है कि मेरी बात सुन लें, चौधरी शुजात जो हैं वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे वालिद की जगह भी हैं, और जहाँ तक हुसैन लाई का तल्लक है उसका वालिद मैं हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो मैं कहूँ मेरी बात के अलावा कोई तीसरी बात करेगा। मुश्किल सा सवाल कर दिया। मैं जवाब दे दूँ इसका? इसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। मोनिस अलाई साहब ने आज से 6 महीने पहले शुजात हुसैन साहब को कह दिया था बार बार के जी मिलते जुलते रहेंगे हम आपस में सारे खानदान में लोग, मगर सियासत अपनी अपनी। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, फिर सियासत उन्होंने जिस तरह कहा है मोनिस अलाई साहब ने, सियासत अपनी अपनी, तो बट सही है, फिर सियासत अपनी अपनी ही करनी चाहिए। या मैं किसी पे इल्ज़ाम ना ही लगाऊं तो बेहतर है? आप क्यों इतने चुपते हुए सवालात करते हैं कि कल को हैं जी? क्या सवाल? मैं तो समझता हूँ कि सियासी ख़ानदान को जो है इकट्ठे चलना चाहिए, मैं तो Day 1 से ये कह रहा हूँ, मगर जब सियासत ख़ानदान के अंदर में से ही कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मैं आ जाए तो फिर दरारें शुरू हो जाती हैं। चलना इकट्ठे चाहिए था। ये आप सबको पता ही है। तो अब क्या मशवरा है, क्या ये कौम अच्छी खबर सुनेगी कि वो भी गलतियां बुलाकर? मैं ये बर्मला कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरा मोनस लाई से काफी अरसे से कोई रब्ता नहीं। परवेज लाई साहब से तो है, तो उन्हें क्या मशवरा देंगे? उन्हें तो मैं यही मशवरा दूंगा कि घर वापस सारे इकट्ठे होकर चलें, जिस तरह शाफे ने कहा है सियासत अपनी अपनी, मगर जो एक जिस दराड़ का आपने जिक्र किया है उस दराड़ को ख़त्म करते हुए, इधर कई मिसालें आपके पास होंगी कि एक ही फैमिली का एक फ़र्द कहीं है एक कहीं है, मगर वो आपस में मिलते जुलते भी हैं, अच्छा खुश अखलाकी से सारे सिलसिला चलता है उनका। मैं जहाँ तक केसेस का तलक है, मैं अपनी हद तक आपको बताता हूँ कि मुझे उनके बारे में कुछ इलम नहीं है। वो जितने भी केसेस हैं उनको फेस कर रहे हैं अदालतों में, तो शाफे को अगर पता हो तो जो जहाँ केसेस के हवाले से बात है ना, अक्सर ये कहा जाता था कि जी शायद हम केसेस करवा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं था केसेस हैं क्या, वो तो 4 दिन पहले हमने कुछ वकला से पता किया कि केसेस हैं क्या। तो हम तो ये समझते हैं कि जिसका भी केस हो वो ऑन मेरिट पर होना चाहिए।
किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जी उसमें मेन जो ये बात हुई कि शुजात साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कल यही बोला कि ये जो 9 मई का सानिया हुआ है, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है, जो आर्मी की बिल्डिंग्स को और शहदा के मुजस्मों को जलाया गया, उसके ऊपर बात हुई। और उसके अलावा बात हुई कि आगे बजट आ रहा है तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि आवाम फ्रेंडली बजट हो जिसमें आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, आगे हमारे इंशाल्लाह फ्यूचर में यही प्लान है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो नून लीग के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट का है प्लान। क्या आप इजाजत है जी? क्यों जी आप? कौन सी नहीं नहीं कौन सी कंपेन की थी? मुझे कहाँ देखा था आपने? अच्छा हाँ, मूसा साहब। आगे ये जो मेरा प्लान है वो इसी का प्लान। ये किससे पूछ रहे हैं? शाफे से ही पूछ लें, बता दो यार। मैं समझता हूँ कि जी बहुत ज्यादा जो है ना झूठ बोला जा रहा है और बोला गया है कि एक घंटे में कुछ कहा जाता है और अगले घंटे में जो है वो बयान चेंज हो जाता है। और अब जो है टाइम आ गया है कि जो पाकिस्तान के यूथ है उनको भी ज़रा बैठ के ज़रा थोड़ी देर सोचना चाहिए कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। और सारों को एज ए कौम पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहिए। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको भी जो टाइम मिला उसमें भी आप सबको याद है कि 3.5 साल में क्या होता रहा, ख़ासतौर पर पंजाब में। ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है जी। डेली पॉलिटिक्स जो है आपको पता है कि पाकिस्तान में डेली बेसिस पे चेंज हो रही है। नहीं, पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, मगर जिन शख्सियात ने फिजिकली जाके जो नुकसान पहुंचाया है उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। और आपको अगर याद है कि मैं उस काम में शामिल नहीं था, मैं यहाँ भी नहीं था। कामली आगा ने वो की थी प्रेस जिसमें उसने ये बातें की थी। मैं